बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द हाउस ऑफ अकाउंटिंग। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरव्यू। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर जो है उसकी जो ओवरऑल मार्क्स की स्कीम क्या होती है और किस तरह से किन किन मेजर टॉपिक्स में से क्वेश्चन मस्ट आते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम सबसे पहले बात करें टोटल मार्क्स की, तो टोटल आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स की, तो ये कुछ इस तरह से है कि टोटल आपको पेपर के अंदर जो है वो 8 क्वेश्चन आएंगे। सारे का सारा पेपर जो है वो सब्जेक्टिव टाइप का होगा। 8 आपको क्वेश्चन आएंगे, 8 में से आप लोगों ने 5 क्वेश्चन करने होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पहला या दरमियान में एंड वाला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। टोटल जो आपको 8 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो 5 × 20 करें तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है। नॉर्मली होता यूं है कि एडवांस और पोस्ट में एक थ्रेटिकल क्वेश्चन लास्ट में वो पेपर में आपको देता है। बाद बाद ऐसा भी होता है कि 6 जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं और 2 जो है वो आपको थ्रेटिकल क्वेश्चन भी दे दिया करता है। यानी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही जो है वो थ्रेटिकल क्वेश्चन आना है। बाद ऐसा भी होता है कि वो किसी साल में उसने 2 आपको थ्रेटिकल क्वेश्चन भी दिए हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको आप लाजमी प्रिपेयर करें, यानी जिनमें से क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट आता है। मुझे जितनी भी देर हो गई है स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाते हुए कॉस्ट अकाउंटिंग की, मैं ऑलमोस्ट अभी तक मैं ये जो आपके साथ आज शेयर करूंगा मैं यही चैप्टर्स करवाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अब तक जिनके 100 over 100 मार्क्स कॉस्ट अकाउंटिंग में आ चुके हैं। लास्ट टाइम भी प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के 100 over 100 मार्क्स आए थे। तो अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की तरफ। अगर आप अपनी बुक को देखें सुहेल अफजल की, आमतौर पर तमाम स्टूडेंट्स बुक को फॉलो करते हैं, आप उसका कोई भी वर्जन ले लें, 2017, 2016, 2018, 2019 कोई सा भी ले लें, तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 4 जो है वो दिखाई दे रहा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल के नाम से। कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल में से एक क्वेश्चन मस्ट पेपर में आ रहा है। बहुत सारे सालों से एक क्वेश्चन मस्ट इस चैप्टर नंबर 4 में से आता है। इसमें इसकी नेचर किस तरह की है ये मैं आपको बताता चला जाऊं। इसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है वो जनरल एंट्रीज है, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन इसके अंदर 2 कैटेगरी के होते हैं। वो इंशाल्लाह जब मैं इसका लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा वो इंशाल्लाह एक ही लेक्चर के अंदर आपको सारे का सारा बहुत ईजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि बच्चे अक्सर क्योंकि अगर मैं सिर्फ टॉपिक का नाम लूँ CGS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, तो वो बुक में से जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं CGS तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आपके चैप्टर का नाम आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट हमने बनाना सीखनी है वो है मेजर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी मस्ट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये वाला क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो 20 मार्क्स आप यहाँ से जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ से इस चैप्टर में से क्वेश्चन मस्ट आता है पेपर में, लाजमी आता है हर साल, तो 20 मार्क्स आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 से। आपका जो चैप्टर नंबर 7 है बुक के अंदर उसका नाम है प्रोसेस पोस्टिंग के नाम से आपका चैप्टर होगा। इसके अंदर हमने जो स्टेटमेंट बनाना सीखनी है वो है CPR, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। आई रिपीट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम CPR स्टेटमेंट बनाना इसमें से सीखेंगे। और एक क्वेश्चन यहां से भी मस्ट आपको पेपर के अंदर आना ही आना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये 3 चैप्टर्स कर लेंगे तो आपके इंशाल्लाह 3 जो है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद आगे हम चलें तो मटेरियल हर दिल अजीज चैप्टर, फेवरेट स्टूडेंट्स का भी फेवरेट होता है, टीचर्स भी बड़ा मतलब मजे में जो है वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को ये वाला चैप्टर। ये मटेरियल का जो चैप्टर है ये काफी लेंथी चैप्टर है। इसके अंदर 4 कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 4 तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन है। यानी हर जो हिस्सा है इसका, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हर हिस्सा यानी हर हिस्से के जो क्वेश्चन है, हर पोर्शन के जो क्वेश्चन है वो दूसरे पोर्शन से डिफरेंट है, ठीक है। मेथड भी डिफरेंट है, टर्मिनोलॉजीज भी डिफरेंट है, फॉर्मूला वगैरह भी डिफरेंट है। मटीरियल में जो सबसे पहला पार्ट है
पार्ट्स, लाइफ ऑफ फाइफो बहुत ज्यादा फेमस और मशहूर आपका ये टॉपिक, ये आगे मास्टर्स लेवल पर भी ये टॉपिक जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ अगला हम चले स्पॉइल एंड इफेक्टिव प्रोडक्शन के क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर क्या करना होता है, पहले वाले के अंदर आपने इन्वेंट्री कार्ड्स बनाने होते हैं, सेकंड वाला जो है इसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने इसके अंदर जस्ट जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। थर्ड जो है ईओक्यू, बहुत आसान, इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है और एक हमने इसके अंदर टेबल प्रिपेयर करना होता है प्रूव करने के लिए। तो ईओक्यू स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टॉपिक, तीन टोटल हो गए और चौथा है इन्वेंट्री लेवल्स का। इन्वेंट्री लेवल्स के अंदर फॉर्मूले हैं, हम फॉर्मूलों को याद करना है, उनके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी होती है। अच्छा, इस चैप्टर के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो हिस्ट्री के अंदर ऐसा भी हुआ है कि इस सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर से तीन क्वेश्चन भी आए हैं पेपर के अंदर। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि दो क्वेश्चन तो आते हैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि चार टॉपिक है, यानी एक तो क्वेश्चन यहाँ से मस्ट आना ही आना है। आप माइंड में रखिएगा कि दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और अगर हिस्ट्री में तीन आए हुए हैं तो किसी भी साल ऐसा हो सकता है कि 2020 में और फर्दर भी जो है वो इसमें से तीन क्वेश्चन भी मे भी आ सके, ठीक है, अजम्पशन है, क्योंकि हिस्ट्री में एक दो ऐसा हो चुका है। तो एक क्वेश्चन तो मस्ट है, दो भी आ सकते हैं चैप्टर नंबर 8 में से, यानी मटेरियल के टॉपिक में से। आगे अगर हम बढ़े तो आगे देखते हैं हम लेबर, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, लेबर में से भी एक क्वेश्चन मस्ट आता है पेपर में। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ FH की, FH के अंदर जो FH के जो क्वेश्चन है उसके अंदर अगर आप देखें तो दो तरह के क्वेश्चन है। एक पहले वाला जो आपको तमाम प्रॉब्लम नजर आएंगे वो उनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो आगे वाला आधा हिस्सा है उसका जो है वो थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। अच्छा, मेरी मुराद है जो आपका इसमें ज्यादा अहम पोर्शन है वो है वेरिएंस एनालिसिस का। अगर आप FOH का चैप्टर करें तो इसमें आपने वेरिएंस एनालिसिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि वेरिएंस एनालिसिस जो है उसमें से क्वेश्चन मस्ट आता है FOH में से। तो इसका मतलब है कि ये जो टॉपिक मैंने टोटल आपके साथ आज डिस्कस किए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल, CGS, CPR, इसके साथ साथ मटेरियल, लेबर और FH, ये टोटल आपके सामने मैंने 6 लिखे हैं। तो इनमें से आपको इंशाल्लाह मस्ट 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक आध क्वेश्चन जो है वो थ्रेटिकल आएगा, तो हमने 8 में से जो है वो टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 करने होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए चैप्टर्स कर लेंगे, इंशाल्लाह मेरी तमाम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको इन चैप्टर से रिलेटेड जो है वो वीडियोज आपको जरूर रिसीव होंगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ मेरी हर आने वाली नई वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।